And the topic is comparative study of present continuous and present perfect continuous. देखिए हम इस पे चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस जानने के लिए हमें थोड़ा सा डीप स्टडी करना होगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म यूज होता है क्योंकि दोनों में कंटिन्यूअस है. लेकिन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? अगर हम हिंदी में बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है या रहे हैं आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं सेंटेंस के लास्ट में आएगा. जो वर्क है हमारा वो कंटिन्यू होता है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी वही होगा, रहा है, रही है और रहे हैं आदि शब्द आता है. प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में पहचान एक जैसा है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्लस से के साथ समय दिया रहता है. से प्लस समय के साथ से दिया रहता है, ठीक है. समय प्लस से, समय के साथ से दिया रहता है. दो घंटे से, सुबह से, शाम से, रात से, इस तरह से दोनों प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये थोड़ा सा डिफरेंस है. ये यूपी बोर्ड के लिए, जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए है. लेकिन सीबीएसई बोर्ड के लिए तो दोनों में आईएनजी होगा, लेकिन ग्रामर के रूल्स तो एक ही जैसे हैं. तो क्यों ना हम ऐसे पढ़ें कि दोनों कवर हो, ठीक है. यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बताया कि वो आपका आईएनजी फॉर्म आता है. अगर हम सिंपल सेंटेंस देखें, सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं इज, एम, आर और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ये लिखते हैं. ये हमारा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स लगाते हैं. ये सिंपल सेंटेंस का यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंपल सेंटेंस में रूल बदल जाएगा. सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हैज बीन या हैव बीन दिया रहेगा प्लस इसके साथ वो आपका आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स लगाते हैं प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर लगाते हैं प्लस टाइम लिखते हैं, ठीक है. अब देखिए हम टाइम को दो पार्ट में बांटते हैं. टाइम को दो पार्ट में बांटते हैं. एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, इसके साथ हम सिंस लगाते हैं. और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, इसके साथ हम फॉर लगाते हैं. जब ड्यूरेशन आ जाएगा तो हम फॉर लगाएंगे, लेकिन एक लंबे ड्यूरेशन के बीच का कोई पॉइंट उठाएंगे तो उसके साथ सिंस लगाएंगे. सिंस मॉर्निंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस इवनिंग, सिंस मंडे, सिंस 15 जनवरी, सिंस 1996, इस तरह से सिंस लगेगा. लेकिन दो दिन, दो साल, दो महीने, दो सप्ताह,
फॉर लगेगा इनके साथ, ठीक है। ये तो ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सिंपल सेंटेंस में क्या होगा, जैसे इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक सेंटेंस लिख देते हैं, जैसे राम इज गोइंग टू कॉलेज। देखिए राम इज गोइंग टू कॉलेज, यानी हिंदी में होता तो राम कॉलेज जा रहा है, है ना, राम इज गोइंग टू कॉलेज। या फिर अगर इसमें आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूं। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अक्सर गलती करते हैं इसमें, आई एम रीडिंग सिंस मॉर्निंग बोलेंगे, गलत है। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, आई इसके साथ लगेगा हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ रहा हूं रीडिंग, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। सेंटेंस हमारा अगर नेगेटिव होता है तो क्या करते हैं, नेगेटिव होने पे इज एम आर के बाद और वो अब में आईएनजी फॉर्म से पहले नॉट इंसर्ट करते हैं। इसमें नॉट यहां इंसर्ट करेंगे, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, ठीक है। लेकिन इसका नेगेटिव होने पर बात थोड़ी सी बदल जाएगी। इसमें has और been के बीच में not insert करते हैं, have और been के बीच में not insert करते हैं, subject plus has not been या have not been plus ing form of verb object other words plus since for plus टाइम, इस तरह से बनेगा। जैसे इसमें राधा भोजन नहीं पका रही है, देखिए राधा भोजन नहीं पका रही है तो क्या हो जाएगा, राधा इज नॉट कुकिंग फूड, राधा इज नॉट कुकिंग फूड। देखिए इज एम आर के बाद नॉट लगा है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता तो राधा दो दिन से भोजन नहीं पका रही है, इस तरह का होता, राधा दो दिन से भोजन नहीं पका रही है, राधा दो दिन से भोजन नहीं पका रही है तो क्या बनेगा, राधा हैज नॉट बीन कुकिंग फूड दो दिन से फॉर टू डेज, फॉर टू डेज। ये तो रहा सिंपल एंड नेगेटिव। आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव की ओर। सेंटेंस हमारा अगर इंट्रोगेटिव होगा, प्रश्नवाचक होगा, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे। प्रश्नवाचक में सिंपल और नेगेटिव अगर पता चल गया तो इंट्रोगेटिव भी पता चल जाएगा। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है तो इज एम आर पहले होगा, इज एम आर पहले होगा प्लस इसके साथ लगेगा सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। लेकिन अगर नेगेटिव भी है तो वर्ब से पहले नॉट इंसर्ट कर देंगे, यहां नॉट इंसर्ट करेंगे प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एंड क्वेश्चन मार्क, इस तरह से बनेगा। जैसे अच्छा क्या पहले है तो
इज एम आर पहले लिखते हैं, है ना। क्या पहले आने पर, प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस से पहले आने पर हम इज एम आर पहले लिखते हैं। जैसे इज राधा डांसिंग, इज राधा डांसिंग, क्या राधा नाच रही है, क्या राधा देखिए क्या राधा नाच रही है, इज राधा डांसिंग, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे देखिए, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या लड़के फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो लड़के प्लूरल है और क्या पहले है, तो आर पहले होगा, आर बॉयज नॉट खेलना, प्लेइंग फुटबॉल क्वेश्चन मार्क, आर बॉयज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। आइए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव और नेगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा कि जैसे इसमें इज एम आर पहले कर रहे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज और हैव पहले हो जाएगा। सबसे पहले हो जाएगा हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नेगेटिव है तो नॉट लगा देंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। जैसे क्या राधा नाच रही है, इसमें था क्या राधा नाच रही है, इसमें हम बना देते हैं क्या राधा सुबह से नाच रही है, क्या राधा सुबह से नाच रही है, क्या राधा सुबह से नाच रही है, क्या बनेगा, हैज राधा बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, हैज राधा बीन डांसिंग सिंस मॉर्निंग, है ना। एक और देख लेते हैं, क्या अनुराधा दो दिन से विद्यालय नहीं जा रही है, क्या अनुराधा दो दिन से विद्यालय नहीं जा रही है। अब देखिए दो दिन से ये नहीं होता तो ये कंटिन्यूअस बनता है इज एम आर के साथ, लेकिन समय दे दिया दो दिन से तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन रहा है। और मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस से कैसे डिफरेंट है। यहां बनेगा अनुराधा है तो हैज हो जाएगा, हैज अनुराधा नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज, दो दिन से, हैज अनुराधा नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर टू डेज। इस तरह से आपने देखा कि कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने डिफरेंस पढ़ा। और आप ग्रामर का ये टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर लिखिएगा कि आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो अगला कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं आप जरूर कमेंट में लिखें। आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार, हम अगला टॉपिक लेके फिर आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए आप आरएनजे एकेडमी का सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।